बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी दल अपनी तरकश से तीखे तीर निकालकर विरोधियों को घायल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां बीजेपी राष्ट्रवाद को हवा दे रही है, वहीं तेजस्वी यादव बुनियादी मुद्दों से बूते जनता का दिल जीतने की जुगत में लगे हैं। पहले उन्होंने बेरोजगारी को हथियार बनाकर युवाओं को साधने की कोशिश की और अब उस मुद्दे को पकड़ लिया जो बिहार से लेकर दिल्ली तक सरकार की सिरदर्दी बना हुआ है। जब से बिहार चुनाव का रण शुरू हुआ है, तब से सियासत में अलग अलग मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। कोई चीन से लेकर पाकिस्तान तक जा रहा है तो कोई निजी वार कर रहा है। बीजेपी और जेडीयू तो विरोधियों की कमियां निकालने में लगे हैं, लेकिन वहीं महागठबंधन के नेता जनता को लुभाने के लिए उनके हित में बात कर रहे हैं। जहां राहुल गांधी ने मजदूरों का मुद्दा उठा रखा है, तो तेजस्वी ने भी रोजगार से लेकर महंगाई पर मोर्चा खोल रखा है। बिहार के सहरसा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सब्जियों की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्याज का दाम सेंचुरी और आलू का दाम हाफ सेंचुरी मार दिया है। यहीं बीजेपी के लोग प्याज की माला पहनकर घूमा करते थे और गाना गाते थे, महंगाई डायन खाए जात है। अब जब प्याज का दाम 100 रुपए किलो हो गया है, तो इन्हें महंगाई डायन नहीं भौजाई नजर आ रही है। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा था कि महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है, प्याज ने शतक लगा दिया है। बीजेपी वालों के लिए पहले महंगाई डायन थी, अब भौजाई है। डबल इंजन सरकार महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर विमर्श ही नहीं करना चाहती। तेजस्वी यादव ने प्याज के बहाने दिल्ली से लेकर बिहार तक बीजेपी सरकार को घेरा है। अब देखना होगा कि महंगाई का ये मुद्दा क्या बिहार चुनाव में एनडीए को प्याज के आंसू रुलाएगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।